ये कहानी है जादुई फ्रिज। दुर्गापुर गांव में रेवती का खुशहाल परिवार रहता था। रेवती की दो बहुएं थी, बड़ी बहू मालती और छोटी बहू रेखा। रेखा बहुत ही भोली, भक्तिवान और सर्वगुण संपन्न थी। जो भी आता रेखा की तारीफ ही करता था और इसी बात से मालती को जलन होने लगती, क्योंकि उसे लगता था कि जब से रेखा आई है घर में उसकी अहमियत कम हो गई है। इसीलिए वो हमेशा रेखा को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन रेवती ने रेखा को बुलाया। छोटी बहू, आज मंगलवार है, भगवान को भोग लगाना है, तो कुछ लड्डू बना दे। तभी मालती ने सोचा, आज सही मौका है इस सासु माँ की चमची को मजा चखाने का। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर मालती शक्कर लेने के बहाने जानबूझकर कढ़ाई को गिरा देती है और सारा गर्म घी रेखा पर जा गिरता है। तभी रेखा ने देखा कि गर्म घी पास रखी कान्हा की मूर्ति पर भी जा लगा है और उसने झट से कपड़ा उठाया और मूर्ति को पोंछने लगती है। अरे अकल की मारी, पहले खुद को संभाल, ये तो सिर्फ निर्जीव मूर्ति है। रेखा बोली, ये निर्जीव नहीं है, इसमें भगवान रहते हैं, इसलिए जितना दर्द मुझे हो रहा है उतना भगवान को भी हो रहा होगा। और ऐसा कहते हुए रेखा मूर्ति को फ्रिज में रख देती है ताकि मूर्ति की जलन कम हो सके। रेखा का भोलापन और भक्ति भाव देखकर रेवती भावुक हो जाती है और रेखा की मरहम पट्टी करके उसे सुला देती है। कुछ देर बाद रेखा की नींद खुली तो उसे याद आया कि प्रसाद के लिए अभी लड्डू बनाने बाकी हैं। लेकिन जब उसने फ्रिज खोला तो उसने देखा कि लड्डू तो पहले से बने हुए पड़े हैं। अरे ये लड्डू कैसे बन गए, मैंने तो सिर्फ मिश्रण ही फ्रिज में रखा था। अगले दिन रेखा के साथ फिर से ऐसा ही हुआ। उसने खीर बनाने के लिए फ्रिज में दूध रखा और कुछ देर बाद देखा तो वहाँ खीर बन चुकी थी। ये देखकर रेखा समझ गई कि ये जादुई फ्रिज है। वो खुशी के मारे उछल पड़ी और जाकर अपनी सास रेवती को सब बताया। बेटा ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है, ये तेरे भोलेपन का उपहार है। और अब रेखा सारी मिठाइयाँ जादुई फ्रिज से ही बनाने लगी। जादुई फ्रिज की मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट थी और रेखा ने एक नई मिठाई की दुकान भी शुरू कर दी। ये देखकर मालती की तो मानो नस नस जल गई। देखो तो महारानी को, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन उनके घर पर एक कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है, प्रधान साहब की तरफ से गांव में मिष्ठान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो सबसे बेहतर मिष्ठान बनाएगा उसे 2,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो जादुई फ्रिज उस महारानी के पास रहा तो मेरी हार पक्की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मालती मूर्ति को रेखा के फ्रिज से चुरा कर खुद के कमरे के फ्रिज में रख देती है। जल्दी से जादुई फ्रिज से जादुई मिठाई बनाती हूँ, फिर मैं 2,00,000 रुपए जीत कर आऊंगी और वो नकचढ़ी देखती रह जाएगी, क्योंकि अब मेरा फ्रिज जादुई फ्रिज है। मूर्ति नहीं होने के कारण रेखा अपने हाथ से मिठाई बनाती है और मालती जादुई फ्रिज से बनी मिठाई ले जाती है। वहाँ प्रधान साहब सबकी मिठाइयाँ चख करके उनको नंबर दे रहे थे। प्रधान ने जैसे ही रेखा की मिठाई मुंह में रखी तो उसकी स्वादिष्टता के कारण तारीफ करने लगे
वाह अद्भुत, ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने कभी नहीं खाई। वाह आहा आनंद आ गया। और फिर वे मालती की मिठाई चखने लगे, लेकिन मालती की मिठाई मुंह में रखते ही उन्हें उल्टी हो गई। अरे ये तो एकदम बासी मिठाई है, ऐसा लग रहा है जैसे महीनों पुरानी हो। रेखा वो प्रतियोगिता जीत जाती है और मालती हार जाती है। ये देख मालती को समझ आ जाता है कि जादुई फ्रिज ने उसे उसकी गलती का सबक सिखाया है।